स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्रोज का लेसन 7, इसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इसके राइटर एल बासम हैं। और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Now it is well on the way of assimilating the culture of the West. Assimilating का अर्थ है अग्रसर। Now it is well on the way of assimilating the culture of the West. और अब यह पश्चिमी संस्कृति के रास्ते पर भली भांति अग्रसर है। अब भारत यह हिंदुस्तान पश्चिमी संस्कृति के रास्ते पर भली भांति अग्रसर है या पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, जीवंत रहेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवत गीता, जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ है, वह लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। गीता का उपदेश ही है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो, फल की चिंता न करो। तो चाहे हिंदू सभ्यता कितना भी पश्चिमी संस्कृति की नकल करे, उस रास्ते पे बढ़े, लेकिन अपनी निरंतरता को, अपनी जीवंतता को नहीं खोएगी। भगवद गीता हिंदुस्तानियों को कर्म करने की प्रेरणा देना कभी भी बंद नहीं करेगा। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचारशील लोगों को विचार करने से, चिंतन करने से नहीं रोकेगी। द चार्म एंड द ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। चार्म मतलब आकर्षण और ग्रेसियसनेस मतलब भव्यता ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ। भारतीय जीवन शैली की जो भव्यता और आकर्षण है, विल कंटिन्यू, वह निरंतर रहेगी, जागृत रहेगी। हाउएवर मच अफेक्टेड इन इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। यद्यपि यह काफी हद तक पश्चिम देशों के श्रम बचत करने वाले यंत्रों से प्रभावित हुई है, पश्चिम देशों में ऐसे यंत्र बने हैं जो कम श्रम में, कम मेहनत में अधिक कार्य करते हैं, इसके बावजूद भी भारतीय अपना कर्म करना नहीं छोड़ेंगे, अपना विचार चिंतन करना नहीं छोड़ेंगे। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायना। और यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वे अब भी या आगे भी रामायण और महाभारत के जो वीर नायक हैं, उनकी कहानियों को प्यार करना या पसंद करना नहीं छोड़ेंगे। एंड ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है, उसे भी पसंद करना नहीं छोड़ेंगे। एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा है, उसे भी हिंदुस्तानी या भारतीय पसंद करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट overclouded, it will surely not vanish before
the more hectic ways of waste. The quiet and gentle happiness. शांत और सहज प्रसन्नता या ये कहिए कि जो आनंद है हिंदुस्तानियों का विच है एट ऑल टाइम्स परवेडेड जो सभी समय छाई रही है भारतीयों का जो आनंद है वह हर समय छाया रहा है भारतीय हमेशा आनंदित रहे हैं परवेडेड का मतलब होता है छाया रहना Indian life, where oppression, disease, and poverty have not overclouded it. भारतीयों में एक आनंद हमेशा ही छाया रहा है भारतीय जीवन में हमेशा एक आनंद रहा है जबकि यहाँ पे काफी ऑपरेशन मतलब अत्याचार डिजीज बीमारियां पॉवर्टी गरीबी भी रही हैं असर डाली हैं लोगों पर लेकिन कभी भी यहाँ के जो मूल आनंद रहा है यहाँ का उस पे प्रभावशाली नहीं हो पाई है इट विल श्योरली नॉट वैनिश्ड बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ वेस्ट निश्चित रूप से यह आनंद कभी भी समाप्त नहीं होगा जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो उत्तेजक जीवन शैली है उससे भारतीय जीवन शैली प्रभावित हो रही है लेकिन भारत का जो मूल आनंद है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ट पेरिस्ट का अर्थ होता है समाप्त हो जाना एंशियंट का अर्थ है प्राचीन लेकिन बहुत से निरर्थक प्राचीन भारतीय संस्कृति जो निरर्थक रही थी वह पहले ही समाप्त हो चुकी है बहुत सी निरर्थक भारतीय संस्कृति पहले ही समाप्त हो चुकी है द एक्स्ट्रा वैगेंट एंड हार्बोरस हेक्टॉम्बस ऑफ वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन वैदिक काल की जो अत्यधिक असभ्य संस्कृति थी जन लोगों के बलिदान करने की जिसमें आदमियों को बलि वेदी पर चढ़ा दिया जाता था उसको बहुत पहले ही भुलाया जा चुका है हेक्टोम्बस का मतलब होता है नरबलि और हार्बोलस मतलब असभ्य और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अत्यधिक तो वैदिक काल की जो नर बलि का विधान था जो अत्यधिक ही असभ्य था उसे बहुत पहले ही भुलाया जा चुका है दो एनिमल सेक्रीफाइज कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स यद्यपि पशुओं की बलि कुछ वर्गों में हो रही है जारी है सेक्ट्स का अर्थ है वर्ग वीडोज हैव लॉन्ग कीस्ट टू बी बर्न्ड और देयर हस्बैंड्स पायर विधवाओं को अपने पति की चिता के साथ जलाए जाने पर रोक लगा दी गई है बंद कर दिया गया है इस प्रथा को गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड अब कानूनन लड़कियों का विवाह बचपन में नहीं हो सकता इन बसेस एंड ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रफ सोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्सियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन का अर्थ होता है गंभीर प्रदूषण तो यहाँ पे जो स्थिति है कि अब ट्रेनों में बसों में ब्राह्मण लोग जो ज्यादा भेदभाव करते रहे हैं वे लोग भी छोटे से छोटे निम्न से निम्न जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या कंधा रगड़कर यात्रा करते हैं और उनको अब किसी गंभीर प्रदूषण का एहसास नहीं होता है छुआछूत जो ब्राह्मणों ने फैलाया था छुआछूत दाम के प्रदूषण का एहसास ब्राह्मणों को नहीं होता है एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाय लॉ और कानूनन मंदिरों को हर किसी के लिए खोल दिया गया है मंदिर में हर कोई आ सकता है कास्ट इज वेनिसिंग जातीयता समाप्त हो रही है
द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, और यह जो सिलसिला है बहुत पहले शुरू हो गया था, बट इट पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन जिसकी रफ्तार अब इतनी अत्यधिक है, इतनी तेज है, दैट द मोर ऑब्जेक्टेनेबल फीचर ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपीयर्ड विद इन ए जनरेशन आल्सो। अब इसकी रफ्तार इतनी अधिक है कि जो आपत्तिजनक लक्षण हैं जातीयता के, वे भी एकाध पीढ़ी में समाप्त हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इट्सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। जो पुरानी पारिवारिक संस्कृति थी वह अब अपने आप को वर्तमान समय के अनुसार ढाल रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। वास्तव में देखा जाए तो भारत का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। लेकिन जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वह जीवंत बनी हुई हैं। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और यह कभी भी समाप्त नहीं होंगी। वंदे मातरम।